नमस्कार साथियों, मैं के एस नरवाल आप सभी का अब जीतेंगे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके लिए मैं लेके हाजिर हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आपके लिए मैंने एसएससी सीजीएल के जो आपके प्री आपका एग्जाम हुआ यानी कि 2021 वाला, उसके मैंने 12 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अब आपके लिए मैं हाजिर हूँ लेकर के 13वां प्रैक्टिस सेट। तो जितने भी साथी हैं वो सभी जुड़ जाइए। रुचि राधे राधे, मोहित राधे राधे, गुड मॉर्निंग भाई, जितने भी हैं सभी जुड़ जाइए एक बार। फिर चलते हैं आपके चलेगा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एवं डिस्टेंस। क्या हुआ है कि श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यानी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट से उसका पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पर है वो, यानी कि श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर, यानी कि मान लीजिए इसका घर है तो 9 किलोमीटर जो है 9 किलोमीटर कहाँ पे गई है आपकी, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर। आपको पता है ये वाला बेस्ट होता है यानी कि पश्चिम 9 किलोमीटर, मान लीजिए श्रीनिजा जहाँ पे आ गई, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और कितना चली 11। दक्षिण कौन सा आपका ये वाला, कितना चली है 11। आगे चलें, फिर वह पूरब की ओर चली और कितना चली 13। पूरब कौन सा आपका ईस्ट यानी कि ये वाला, 9 से आगे है तो इसे आगे बनाना 13। अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली, अंत में जो है पश्चिम की ओर कितना चली है 4 किलोमीटर। तो आपको पता है 13 है, 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो मान लीजिए यहीं पर आ जाएगी 13 में से 4 गया। यदि 4 इधर की ओर चली है ये वाली तो 13 टोटल है, 4 इधर की आई आ रही तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, यानी कि ये वाला टोटल तो हो जाएगा ध्यान रखना 13। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 13 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आपका 9 है। आपसे पूछा है अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, प्रारंभिक स्थान से पूछा है और प्रारंभिक स्थान आपका कौन सा ये वाला है और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ टोटल और आपका मिनिमम दोनों आते हैं, टोटल और मिनिमम। टोटल की यदि हम बात करते हैं टोटल यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कितना है, तो इतना बड़ा तो ऑप्शन इसमें है नहीं कोई, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे और मैंने बताया था जो बराबर होता है उसे हम काट देते हैं। यहाँ कितना है 11, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 11 और इसमें जो आंसर दिया हुआ वो कौन सा दिया हुआ, पहला ऑप्शन है 11 किलोमीटर, तो उसके द्वारा दूरी चली जाएगी वो कितना चली जाएगी 11 किलोमीटर। ऐसा भी नहीं है कि आप इसको इसी प्रकार से करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पता है पश्चिम का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, पूरब होता है। तो देखिए पश्चिम और पश्चिम कितना चला 9 और 4 13 जुड़ जाएंगे, तो 9 और 4 13 से 13 कट जाएगा यानी कि ये आपस में कट जाएंगे और जो आपस में कट जाएंगे तो बचा कितना 11 किलोमीटर, 11 ही किलोमीटर आंसर। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट इसका। चलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए हैज बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, आगे है बी परसेंटेज बना के देखिए एक बार से।
चलेगा, रामू नमस्ते भाई, चलेगा। ए हैज बी का अर्थ है, मैंने क्या बताया था, कल भी बताया था ये वाला क्वेश्चन, आपका कल भी आया था इस प्रकार से। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जी हैज एम, हैज का अर्थ उसमें क्या है, पिता है, यानी कि जी जो है पिता है, जी पिता है, और वो किसका है, एम का, जी पिता है एम का। एम हैज टी, यानी कि एम पिता है और वो किसका है, टी का, एम पिता है टी का। आगे चलें, टी परसेंटेज हैज, यानी कि टी परसेंटेज एस, तो परसेंटेज का अर्थ क्या है, माँ, यानी कि टी जो है माँ है और वो किसकी है, एस की। टी परसेंटेज है, टी माँ है एस की, एस एट द रेट एच, एस बहन है एच की, एस जो है बहन है और वो किसकी है, आपकी एच की। एच एंड आर, एंड का अर्थ क्या है, पुत्र, एच पुत्र है और वो किसका है, एच पुत्र है और वो किसका है, आपका आर का। आपको पता है ये दोनों कौन है, आपके भाई बहन है, इनसे एक ऊपर जेंडर गया माता का, तो एक किसका हो जाएगा, पिता का, ये आपस में कौन हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। आगे है आर एंड डब्लू, आर पुत्र है और किसका है, डब्लू का, आर जो है पुत्र है वो किसका है, आपका डब्लू का, डब्लू का पुत्र है, ये दोनों ध्यान रखना, आपस में पति पत्नी है तो ये कह नहीं सकते कि डब्लू आपका माता होगा या पिता होगा, आर पुत्र है डब्लू का। डब्लू एट द रेट यू, डब्लू एट द रेट यू, यानी कि डब्लू बहन है यू की, डब्लू जो है बहन है और वो किसकी है, यू की। चलिए यू का जनरल डिफाइन नहीं है, नेक्स्ट निकालें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको देखना है सही नहीं है, जी टी का दादा है, जी जो है टी का दादा है, बात सही है, यानी कि हमें चाटना है गलत वाला तो ये गलत हो जाएगा, आर टी का पति है, आर जो है टी का पति है, ये बात सही है, हमें चाटना गलत वाला, डब्लू एच की नानी है, डब्लू जो है एच की क्या है, नानी है, अब एच की नानी है, ध्यान रखना ये इसका कौन पिता, और पिता की माता कौन होती है, दादी होती है, लेकिन इसमें नानी दिया हुआ है तो आंसर क्या जाएगा, यही वाला जाएगा, यानी कि हमें गलत छाटना है, और गलत इसमें कौन सा आ रहा है, आपका तीसरा आ रहा है, एम एस का नाना है, एम एस का नाना है, नहीं है, गलत कीजिए, हाँ जी एम एस का नाना है, तो ये वाला सही है, यानी कि ये वाला क्या जाएगा, गलत जाएगा, तो जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन जाएगा, यानी कि चलेगा नेक्स्ट। आपका एक ही पासे की तीन स्थितियां दी हुई हैं और तीनों स्थितियों पर आपके एक से लेकर के छह तक अंक अंकित किए गए हैं, आपको बताना है पांच वाले फलक के विपरीत क्या आएगा, पांच वाले फलक के विपरीत क्या आएगा, ये आपको बताना है, पांच के विपरीत क्या आएगा, देखिएगा पांच के विपरीत हमें देखना है, यदि पांच के विपरीत यदि हम जाएं तो ध्यान दीजिए, एक तीन यानी कि डायरेक्ट यदि करने का कोशिश करें तो उनको देख लीजिए, तो दो फिगर देख रखे हूँ आपके, देखिएगा एक तीन से एक तीन कटाइए तो छः का चार हो जाएगा, ये फिक्स है। आगे देखें चार एक से चार एक कटाइए, दो का कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, बच्चा कौन रहेगा एक और कौन सा रहेगा पाँच, उसने पूछा है पाँच के अपोजिट क्या आएगा, तो पाँच के अपोजिट जो जाएगा वो क्या जाएगा, आपका एक जाएगा, पाँच के अपोजिट जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, आपका एक चला जाएगा, पाँच के अपोजिट जाएगा वो कौन सा जाएगा, आपका एक जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के स्थान पर आ सकता है, आपके लिए दिया हुआ है एच डी एम एस ओ डबल वी आई बी एन ई वाई सी एफ एन ओ, आपको बताना है उज्ज्वल राठी वन, बहुत बढ़िया चलेगा। सबसे पहले नंबरिंग की यदि हम बात करते हैं तो एच की नंबरिंग होती है आठ, एच की नंबरिंग कितनी होती है आपकी आठ, ओ की पंद्रह, बी की बाईस, सी की कितनी थी, ध्यान दीजिए आठ से यदि पंद्रह पे गए तो आपको पता है कितना प्लस होता है सात, बाईस से यानी कि पंद्रह से बाईस पे गए कितना प्लस सात, बाईस से तीन, तीन का मतलब होता है उनतीस, तो बाईस से तीन पे गए तो कितना प्लस हो जाएगा आपका सात, और तीन से हमें आगे जाना है कितना प्लस करोगे सात, और तीन में सात जोड़ा तो कितना बन गया दस, और दस पे क्या होता है जी, और जी आपको दूसरे विकल्प में तो मिला नहीं तो दूसरा विकल्प हटा दीजिए। आगे चले, आगे यदि देखा जाए तो हम जा रहे हैं डी से वी, डी की नंबरिंग आपको पता तीस होती है, इसकी नंबरिंग कितनी होती है आपकी बाईस, तो तीस से बाईस पे गए कितना माइनस हो गया आठ, बाईस से एन पे गए यानी कि
बी की नंबरिंग होती है 22, एन की नंबरिंग होती है 14, तो कितना हो जाएगा माइनस 8। एन से एफ गए यानी कि माइनस का 8, और एफ में से यदि माइनस 8 करें, एफ की नंबरिंग जो होती है वो कितनी होती है आपकी 6, 6 का मतलब 32, और 32 में से 8 गया तो कितना जाएगा 24, 24 पे क्या होता है आपका एक्स आएगा जे एक्स, तो जे बाई इसमें मिला तो एक्स आएगा आंसर। चलेगा आगे, एम से जाना है बी, एम से जाना है बी, तो एम की नंबरिंग होती है 17 और बी कितना होता है आपका 22, तो कितना प्लस हो जाएगा 9। बी से ई पे गए, ये भी आपको पता है कितना 9 हो जाएगा यानी कि 31, 9 प्लस। ई से एन गए कितना प्लस 9, एन से 9 प्लस करना है हमें, और एन की नंबरिंग होती है 14 और 9 तो कितना 23, 23 पे क्या होता है आपका डब्लू, डब्लू किस में दे रखा है इसमें दे रखा है, तो आंसर आएगा जे एक्स डब्लू ई, जे एक्स डब्लू ई, यानी कि ये पहले कर रहा है आपका प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, फिर उसने किया है माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8, फिर किया उसने प्लस 9 प्लस 9, उसी प्रकार से आगे माइनस 10 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट चले, तो इसका जो आंसर जाएगा यानी कि पहला आंसर जाएगा, चलेगा नेक्स्ट चले आगे चलेगा, इसको आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, यह आपको बताना है, बताने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, यदि देखा जाए, देखिएगा सबसे पहले आपका आया षष्ठभुज, और षष्ठभुज जो उन्होंने भेजा है वो क्या भेजा है, इससे नेक्स्ट अंदर भेजा है, तो उसने वर्ग लिया है, यानी कि स्टार्टिंग में उसने क्या भेजा है, सबसे पहले आया है उसका वर्ग, और वर्ग जो है इसमें कौन से नंबर पे आपका वर्ग सबसे लास्ट में है, इसमें सबसे लास्ट में कौन सा वर्ग है, सबसे लास्ट में जो वर्ग है यानी कि इस प्रकार से आना है, यानी कि वर्ग है तो वो इस वो सभी में दे रखा है वर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, सेकंड नंबर पे देखें तो कौन सा है आपका षष्ठभुज आया है, और सेकंड नंबर पे षष्ठभुज आया है, और षष्ठभुज क्या है सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर यानी कि सर्कल है, तो यहाँ सर्कल ही आना है। आगे चलिए, तीसरे नंबर पे आया इसमें क्या पंचभुज, और तीसरे नंबर पे पंचभुज है तो वो भी क्या आपका तीसरे नंबर पे ही दे रखा है, एक आ जाएगा आपका वर्ग आ जाएगा, तो वर्ग आ जाएगा, तो आपको पता है पहले और दूसरे में तो तीसरे में तो वर्ग है नहीं, इन दोनों में वर्ग दे रखा है यानी कि आपका स्क्वायर, आपका सर्कल, उसके बाद आपका चतुर्भुज बोल दीजिए इसे। आगे चलें, इसमें मिला क्या है आपको वर्ग यानी कि आपका सीधा वाला, और सीधे वाला यानी कि सीधे नंबर पे ही है, चलेगा। आगे चलें, नेक्स्ट इसमें क्या मिला है सर्कल, सर्कल कहाँ पे दे रखा है इसमें, का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपको सर्कल वगैरह तो इसमें, ठीक है वर्ग है सर्कल है, उसके बाद क्या आना है यहाँ से आप सबसे पहले उसने उठाया वर्ग आ गया सबसे नंबर पे उसमें आया है षष्ठभुज, षष्ठभुज क्या है सबसे ऊपर देख रखा है, सबसे ऊपर क्या देखा सर्कल, तो सर्कल फिर तीसरे नंबर पे इसमें आया है तो क्या पंचभुज, पंचभुज है उसमें क्या पहले नंबर पे ही आ गया, दूसरे नंबर आ जाएगा
क्या गया, ये इसमें दे नहीं रखा था के अनुसार, तो ये दोनों जाने। अब इन दोनों में भी यदि देखें पंचभुज है इसमें, तो इन दोनों में अंतर है क्यों देखिएगा, तो इसने क्या किया है, सर्कल को इसने अंदर लिया है सबसे, और सर्कल को इसने अंदर लिया है तो यानी कि ये वाला अंदर जाएगा, पंचभुज जो है सबसे, पंचभुज किसमें दे रखा है, इसमें वाले में दे रखा, चौथा जाएगा इसका, पंचभुज सबसे अंदर जाएगा, चौथा जाएगा इसका। बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलेगा नेक्स्ट, चले आगे। नेक्स्ट है, यदि चिन्ह प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित किया जा सकता है। आपको देखना है प्लस और भाग को आपस में हमें चेंज करना, यदि प्लस और भाग को यदि हम आपस में चेंज करें, प्लस और भाग को यदि हम आपस में चेंज करें तो कौन सा समीकरण संतुलित, प्लस यहाँ पे आ जाए, भाग आपका यहाँ चले जाए, यदि भाग यहाँ पे होगा तो तीन से काटा तो कितनी बार, दो बार, और ये यहाँ प्लस है तो 12 में से दो गया तो कितना आ जाएगा आपका 10, तो माइनस का 10 आ जाएगा, 24 में माइनस 10 गए तो आपको पता 20 आना नहीं है, तो पहला गलत। आगे देखें तो प्लस की जगह पे भाग होना चाहिए, यानी कि भाग यहाँ पे आएगा तो 4 से काटा तो कितनी बार, 3 बार, यहाँ प्लस हो जाएगा तो 8 में से 3 गया यानी कि माइनस के 8 है, तो माइनस के 8 में से 3 गया तो कितना, माइनस के 5, और माइनस के 5 है तो 3 में से माइनस 5 यानी कि ये भी नहीं आना है। आगे देखें तो यहाँ पे क्या आना है, भाग, और 11 से इससे काटो तो कितना बार कटेगा, दो बार, यहाँ हो जाएगा प्लस, 8 और 3 कितना 11, और 11 दूनी कितना हो जाएगा, 11 से इससे काटो कितनी बार, दो बार, 8 दूनी हाँ 16, और 3 कितना हो जाएगा 19, तो आपका 30 हो जाएगा सही, यानी कि प्लस और माइनस को यदि चेंज किया जाए तो आपका कौन सा समीकरण संतुलित किया जा सकता है, तीसरा वाला, ठीक है। 22 भागित 11 गुणा 8 प्लस कितना 3, बराबर कितना लाना चाहिए, ठीक है, 11 दूनी 22, 8 दूनी कितना 16 और 3 कितना, तो क्या बोलोगे, जो आपका ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, तीसरा ऑप्शन यानी कि बनाया जा सकता है, तीसरा ऑप्शन यानी कि बनाया जा सकता है। नेक्स्ट चलिएगा आगे, आपको ए बी से 25 वर्ष छोटा है, 15 वर्ष बाद बी की आयु सी की आयु की दोगुनी हो जाएगी, बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की तीन गुनी है, ए की वर्तमान आयु आपको बतानी है क्या होगी, ए की वर्तमान आयु हमें बतानी है क्या, चलेगा देखने का प्रयास करें। ए बी से 25 वर्ष छोटा है, ए जो है वो बी से छोटा है, और वो कितना छोटा है आपका, 25 वर्ष छोटा, आपको पता है बी यानी कि ए से 25 वर्ष बड़ा होगा, 15 वर्ष बाद, देखिए ए बी से 25 वर्ष छोटा है, ए का मतलब होता है आपका वर्तमान, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद मान लीजिए यदि इसको हम, मान लीजिए इसको हम जीरो ही मान के चलते हैं, यानी कि ये एक भी साल का नहीं है, तो यदि ये एक भी साल का नहीं है तो ये 25 साल बढ़ा है तो ये 25 का हो गया, अब 15 साल यदि आगे चलें 15 इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि ये 15 साल का हो जाएगा, और इसमें यदि 15 जोड़ा यानी कि ये कितने का हो जाएगा, 25 और 15 कितने का हो जाएगा, आगे दिया है 15 वर्ष बाद बी की आयु सी की आयु की दोगुनी होगी, बी की जो आयु है 15 वर्ष बाद होगी, बी की आयु कितनी होगी आपकी 40 मान के चल रहे हैं, बी की आयु सी की आयु की दोगुनी होगी, सी की कितनी हो जाएगी आपकी, क्या बोलोगे आप कितनी, कि इसका ये दोगुना ही तो है। आगे है बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की तीन गुनी है, बी की जो वर्तमान आयु है, बी कहाँ है आपका, ये रहा बी की वर्तमान जो आयु है वो सी की वर्तमान आयु की तीन गुनी, अब सी की वर्तमान आयु की तीन गुनी है तो ये कितने का हो जाएगा, ना कि सी की वर्तमान आयु छाटने ये 15 वर्ष बाद की आयु थी यानी कि 40 और 20 तो 15 यानी कि वर्तमान में देखें तो 15 माइनस कर दीजिए कितना आएगा 5, और 15 माइनस किया तो इसमें कितना हो जाएगा 25, तो 5 का 25 यदि जाएँ तो तीन गुना हमें जाना है, तो तीन गुना जाना है तो या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए, ए की वर्तमान आयु लिए, ए की वर्तमान आयु यदि हमने ली, यदि 15 लें ए की वर्तमान आयु, ए की यदि मान ली कि ए की आयु कितनी है 15, तो बी की कितनी हो जाएगी, तो
ए बी से क्या है 25 वर्ष छोटा है, ए छोटा है 25 वर्ष, तो बी की कितनी जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक, ये कब की ध्यान रखना, ये वर्तमान की है, ये तो हमने आगे चल के माना है 40 जो है। आगे चलें 15 वर्ष बाद, अब 15 वर्ष बाद चलें तो ये कितने का हो जाएगा आपका 55 का, और ये कितने का हो जाएगा आपका 15 वर्ष बाद बी की आयु सी की आयु की दोगुनी होगी। बी की जो आयु है वो सी की आयु की दोगुनी होगी, बी की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की। देखिए क्या बी की आयु सी की आयु की दोगुनी है, नहीं है, तो यानी कि पहला ऑप्शन गलत। अब पहला ऑप्शन गलत, उस पर दूसरे पे आ जाइए। दूसरा है 25, यानी कि ए की यदि वर्तमान आयु 25 है, किसकी, ए की, तो बी की आपको पता है कितनी हो जाएगी आपकी 50, क्योंकि 25 से बड़ा है। 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष जाए तो इसमें कितना हो जाएगा 40, 15 वर्ष जाए तो इसमें कितना हो जाएगा आपका 65। 15 वर्ष बाद सी की यानी कि बी की आयु सी की दोगुनी होगी। अब सी की दोगुनी होगी, क्या ये दोगुनी होगी आयु इसकी, दोगुनी बात करें तो इसमें 50 में चला जाएगा, यानी कि ये वाला भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट चलिए इस पे, यदि ए की आयु कितनी आपकी 20 है, बी की कितनी जाएगी आपकी 45, 15 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 35 का, 15 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 60 का। आगे बोला है बी की आयु सी की आयु की दोगुनी है, बी की जो आयु वो सी की आयु की दोगुनी है, सी की कितनी हो जाएगी आपकी 15 वर्ष बाद, यानी कितनी हो जाएगी 30, क्योंकि 30 का ही तो ये दुगना होगा। और वर्तमान की यदि बात करें तो वर्तमान में कितना का हो जाएगा 15 साल का, 15 इसमें से माइनस कर देंगे। आगे सी की वर्तमान आयु की तीन गुनी, यानी कि बी की जो वर्तमान आयु है, बी की जो वर्तमान आयु है वो सी की वर्तमान आयु की कितनी है आपकी 3 गुनी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बी की वर्तमान आयु कितनी है 45 है, और सी की वर्तमान आयु कितनी है ये 3 गुनी है, यहाँ बोला है 2 गुनी है, यहाँ बोला है 3 गुनी है, तो यानी कि ये वाला समीकरण संतुलित होता है। जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन जाएगा। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लें चलेगा। नेक्स्ट चलें, जो यानी कि आपकी ए की जो आयु आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 20 वर्ष आ जाएगी, ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष। आपको देखना है एक कूट भाषा में, एक कूट भाषा में एस ओ यू पी को टी एन वी ओ लिखा जाता है। नंबरिंग की यदि बात करें तो एस की नंबरिंग 19, ओ की नंबरिंग 15, यू की नंबरिंग 21, पी की नंबरिंग 16। आगे चलें, टी की नंबरिंग 20, एन की 14, वाई की कितनी 20, वी की 22, ओ की कितनी 15। ध्यान दीजिए, प्लस वन माइनस, यानी कि नॉर्मल लॉजिक लग रहा है, प्लस वन माइनस वन, ये लॉजिक लगा दीजिए। यदि बी ओ डब्लू एल को यदि देखें तो 15, डब्लू की आपकी 23, एल की कितनी, प्लस वन कीजिए, प्लस वन करोगे तो कितना 3 पे क्या होता है 80, माइनस वन करोगे तो कितना 14 पे क्या होता है n, प्लस वन करोगे तो कितना 24 पे क्या होता है आपका x, माइनस वन करोगे तो कितना आपका 11 पे क्या होता है आपका k, तो आ जाएगा cnxk, तो आपका ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जाएगा cnxk, तो आपका ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में योर अटेंशन प्लीज लिखा जाता है PUW CUW ZUW, उसी कूट भाषा में काइन अटेंशन को लिखा जाता है MUW ZUW, तो प्लीज पे अटेंडेंस को लिखा जाता है PUW ZUW RUW, तो आपको बताना है पे का कोड क्या होगा। मैंने आपको बताया भी था कि जिस जो हमें ढूंढना है केवल उसी को हम देखते हैं, इसके अलावा हमें किसी से मतलब नहीं है। पे का कोड हमें देखना है, केवल पे को ही देखिए। अब पे का कोड यदि हमें देखना है तो पे हमें कहाँ पे मिल रहा है, देखिए इनका कोड आपको पता है ये है, इनके कोड ये और इन वालों के कोड ये, तो पे का कोड हमें देखना है। देखिए पे हमें यहाँ भी नहीं मिला, पे हमें यहाँ नहीं मिला, और ना ही यानी कि पे हमें यहाँ मिल रहा है, पे हमें यहाँ मिल रहा है, इसका कोड वही होगा जो या तो ये हो सकता है या फिर आपका ये हो सकता है या फिर आपका ये हो सकता है। क्योंकि देखिए पे हमें यहाँ पे नहीं यानी कि यहाँ पे नहीं मिला, ना ही यहाँ मिला, केवल यहाँ मिला, तो पे का कोड इनके सामने होगा, इससे ऊपर में नहीं हो सकता, क्योंकि पे हमें एक बार ही मिल
इसका कोड वही होगा जो हमें एक बार ही मिल रहा होगा। पी यू डब्ल्यू यहाँ भी मिला, पी यू डब्ल्यू यहाँ भी मिला, तो कोड डब्ल्यू नहीं होता। आगे देखें जेड यू डब्ल्यू, जेड यू डब्ल्यू हमें यहाँ भी मिला, जेड यू डब्ल्यू हमें यहाँ भी मिला, तो इसका कोड ये नहीं हो सकता। तो बचा क्या, आर यू डब्ल्यू, और आर यू डब्ल्यू आप देख भी सकते हैं, आर यू डब्ल्यू और कहीं नहीं है। तो इसका जो कोड जाएगा वो कौन सा जाएगा, आपका पहला ऑप्शन जाएगा, यानी कि पे का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर यू डब्ल्यू। पे का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर यू डब्ल्यू। पे का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका आर यू डब्ल्यू। चलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें, दिए गए चार अक्षर समूह में से तीन किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का हमें चयन करना। इनमें से तीन किसी प्रकार समान है, एक असंगत है, उसी असंगत को हमें छांटना है। देखने का प्रयास कीजिए। नंबरिंग की यदि बात करते तो सबसे पहले नंबरिंग डाल लीजिए। यू की नंबरिंग आपको पता है कितनी होती है 21, डब्ल्यू की नंबरिंग कितनी होती है आपकी 23, जेड की नंबरिंग कितनी होती है आपकी 26, बी की नंबरिंग कितनी होती है 2, आई की नंबरिंग कितनी आ गई, एन की नंबरिंग 14, पी की नंबरिंग 16, एस की नंबरिंग 19, डब्ल्यू की नंबरिंग आपकी 23 और बी की नंबरिंग आपकी कितनी आगे चले, टी की कितनी 20, बी की कितनी 22, वाई की कितनी 25, टी की कितनी 3, एच की कितनी, ए की 1, सी की 3, एफ की 6, जे की 10। देखने का प्रयास कीजिए, यहाँ देखें तो कितना प्लस 2, यहाँ देखें तो कितना प्लस 3, यहाँ देखें तो कितना प्लस हो रहा है 28, यानी कि कितना प्लस 4, यहाँ देखें तो कितना प्लस हो रहा है आपका, यानी कि प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और आपका कितना हो गया आपका प्लस 7। यहाँ देखें तो प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ देखें यानी कि 2 का मतलब कितना 28 प्लस 5, यहाँ प्लस 7 हुआ है या प्लस 5 हुआ है, या तो प्लस 5 का लॉजिक लगेगा या प्लस 7। यहाँ प्लस 2 है, प्लस 3 है, प्लस आपका कितना है 25, प्लस 4 प्लस 5। देखिए यहाँ प्लस 5 है, प्लस 5 है, तो अलग जो जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका प्लस 7 का लॉजिक अलग जा रहा है। इसका क्या बोलोगे, निशु ए, बहुत बढ़िया। इसका जो लॉजिक जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका, ए ऑप्शन में जाएगा, क्योंकि प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो सभी में लग रहा है, लेकिन उसमें प्लस 7 लग रहा है, बाकी सभी में प्लस 5 लग रहा है। इसका जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, आपको बताना है ग्रह मंगल और शुक्र, ग्रह मंगल और शुक्र का वेन डायग्राम क्या होगा, ग्रह मंगल और शुक्र, ग्रह मंगल और शुक्र का वेन डायग्राम क्या होगा, ग्रह मंगल और शुक्र, ग्रह मंगल और शुक्र का आपको वेन डायग्राम बताना है क्या होगा। देखिएगा, आपके पास आए ग्रह मंगल और आपका शुक्र, ग्रह मंगल शुक्र का यदि वेन डायग्राम देखें ध्यान दीजिए, जो मंगल है वो ग्रही है, आपको पता है इसमें ऑल बनेगा, शुक्र आपका क्या है ग्रह है, इसमें भी क्या बनेगा ऑल बनेगा, लेकिन मंगल और शुक्र में क्या है कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि दोनों के मध्य क्या बनेगा इसमें नो, तो एक नो है और दो ऑल हैं, तो नो का डायग्राम क्या होता है ये वाला होता है, और दो ऑल हैं आपको पता है, एक गोले के ऊपर तो एक ऑल, दोनों गोलों के ऊपर तो कितने ऑल, दो ऑल। इसका जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका चौथा ऑप्शन जाएगा, इसका जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका चौथा ऑप्शन जाएगा, यानी कि सभी मंगल ग्रह हैं, सभी शुक्र आपके क्या है ग्रह हैं, और शुक्र और मंगल के मध्य क्या है कोई भी कनेक्शन नहीं है, और मंगल के मध्य क्या है कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका चौथा आंसर जाएगा। चलेगा नेक्स्ट, चलने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको बहुत बढ़िया डी आंसर, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करिए जो तार्किक और सार्थक क्रम में दिए गए कार्यों की व्यवस्था को इंगित करता है, और इसके मैंने आपको बताए भी थे दो क्रम होते हैं आपके, एक असेंडिंग ऑर्डर एक डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि एक तो होता है आपका आरोही क्रम और एक होता है आपका अवरोही क्रम। आरोही क्रम अवरोही क्रम कोई भी लॉजिक लग सकता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। चलेगा देखना प्रयास कीजिए।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करोगे, ये तो आपको पता है कंप्यूटर चालू करना है, सबसे पहले कंप्यूटर चालू करोगे यानी कि इसके आपका तीसरा ऑप्शन तो आ नहीं सकता, सबसे पहले कंप्यूटर चालू करोगे उसके बाद क्या करना है, ईमेल खाता खोलें, ईमेल लिखें, ईमेल पता दर्ज करें, सामग्री मेल भेजें। तो आपको बताया सबसे पहले क्या करोगे, कंप्यूटर चालू करोगे, तो उसमें ईमेल खाता खोलेंगे यानी कितना आ जाएगा एक, उसमें क्या लिखेंगे फिर ईमेल लिखेंगे यानी कितना आ जाएगा दो, ठीक, ये वाला गलत हो जाएगा वो चौथा, यानी कि पहले कंप्यूटर चालू करेंगे फिर ईमेल खाता खोलेंगे फिर ईमेल लिखेंगे फिर आपका ईमेल पता दर्ज करेंगे कौन सा आएगा चौथा, फिर क्या करेंगे सामग्री लिखेंगे फिर आपका मेल भेजेंगे पांचवा, तीन इकतीस चौबीस छप्पन, इकतीस चौबीस छप्पन, इकतीस चौबीस यार आपका से वाले ऑप्शन में जा रहा है, इकतीस चौबीस छप्पन तो आपका जाएगा बी ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन इकतीस चौबीस छप्पन, इकतीस चौबीस छप्पन, इकतीस चौबीस छप्पन, ठीक है नेक्स्ट आगे चलें। यदि ए जोड़ को बी गुणा को सी घटाने को डी भाग को यदि केंद्रित करता है तो आपको देखना है कौन सा समी यानी कि आपका कौन सा आंसर आएगा, देखिएगा ए जोड़ को 46, सी का अर्थ क्या आपको पता है घटाना है, छः एक अर्थ क्या आपका जोड़ सेवन पुस्तक बंद, बी का अर्थ क्या गुणा फाइव, एक अर्थ एड चौबीस, डी का अर्थ क्या आपका भागित छः, बी का अर्थ कितना है आपका गुणा ट्वेंटी सेवन, आपका डी का अर्थ क्या है भागित नाइन, डी का अर्थ क्या भागित, सबसे पहले हमने बताया था आपके लिए कि इसको हम देखते हैं निशु डी बी यानी बहुत बढ़िया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम हल करते हैं आपका ब्रैकेट को, सबसे पहले यदि हम ब्रैकेट को देखें, देखिए तीन से नौ को दिया पर तीन बार सत्ताईस को दिया नौ, देखिए तो आएगा नौ छिक्की देख लेते हैं यानी कि छः से इधर काटा यानी कितनी बार आपका चार बार, छः चौक चौबीस, छियालीस माइनस के छः और सात कितना हो जाएगा आपका पंद्रह यानी कि तेरह, गुणा कितना पाँच प्लस के कितना नौ चौक छत्तीस चलेगा, तेरह पंजे पैंसठ माइनस के पैंसठ है छियालीस और आपका कितना कीजिएगा पैंसठ में से यदि छियालीस गया तो आपको पता है पैंसठ में छियालीस गया, पैंसठ में से यदि छियालीस जाए तो कितना जाएगा पंद्रह और चार उन्नीस, उन्नीस माइनस का उन्नीस इसमें से गया तो आपको पता है कितना हो जाएगा उन्नीस का तो कितना तो किसमें दे रखा आपका सेकेंड ऑप्शन में, यानी कि इस समीकरण को संतुलित करने पर जो आपका ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका सत्रह ऑप्शन जाएगा, इस समीकरण को संतुलित करने पर जो आपका ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका सत्रह जाएगा, चलेगा आगे आगे है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति एक्स में सन्निहित है, आपको बताया है कि आकृति को हमें घुमाने की अनुमति नहीं, आकृति को घुमाने की अनुमति है नहीं हमें, तो आपको बताना है कि कौन सी आकृति आपको बनाई जा सकती है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, ध्यान दीजिएगा पहली वाली आकृति को यदि हम देखते हैं, पहली वाली आकृति को यदि हम देखें ध्यान दीजिए त्रिभुज आपका बन रहा है, त्रिभुज आपको पता है कहाँ पे बन रहा है आपका ये वाला, इसमें यदि आगे की तरफ चलें यहाँ की तरफ गए उसके बाद आपका ये आया ये वाला बन रहा है, इसमें आगे चलें तो ये भी बन रहा है, ये भी बना हुआ है, ये भी
यानी कि इसमें जो अंतर्निहित आकृति है वो कौन सी जाएगी आपकी, ए ऑप्शन ही आपका सही जाएगा। अंतर्निहित जो आकृति है वो कौन सी आकृति है आपकी, ए ऑप्शन वाली ही जो आकृति है वो आपकी क्या है, अंतर्निहित है। ए ऑप्शन वाली जो आकृति है वही क्या है इसमें, अंतर्निहित है। ए ऑप्शन वाली ही आकृति क्या है इसमें, अंतर्निहित है। चलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट चले तो आपका ए ऑप्शन जाएगा, चलेगा। पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू नाम के आठ उत्तर मुखी रेस्तरा एक सीधी पंक्ति में स्थित है, एस टी के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि ध्यान रखिएगा उत्तर मुखी आपका रास्ता है और उत्तर मुखी रास्ता है ध्यान रखना रेस्तरा यानी कि रेस्टोरेंट है, उत्तर मुखी है। अब एक सीधी पंक्ति में स्थित है, एस टी के बाएं यानी कि आपको पता है उत्तर मुखी है, तो आपको पता है नॉर्थ का जो राइट होता है आपका कौन सा होता है, ये वाला होता है, और नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा होता है आपका, ये वाला। आठ व्यक्ति हैं कहीं बिठा लीजिए कोई, एस टी के बाएं दूसरे स्थान पर है, एस जो है टी के बाएं दूसरे स्थान पे, पहला बायां और डब्लू पी के बाएं तीसरे स्थान पे है, डब्लू जो है पी के बाएं, यहाँ डब्लू और पी का कनेक्शन दिया नहीं तो नीचे बना लीजिए, डब्लू जो है पी के बाएं, डब्लू पी के बाएं तीसरे स्थान, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान किसका है आपका, तीसरे स्थान पे पी बैठा है, चलेगा। डब्लू जो है पी के बाएं तीसरे स्थान पे, पहला स्थान दूसरा स्थान, आगे है टी, ठीक पी और बी के बीच में है, टी जो है ठीक पी और बी के बीच में है। यदि पी और बी के बीच में है तो मान लीजिए यदि यहाँ वी है और यदि यहाँ पी है तो पी के बाएं तीसरा, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो आपको पता है यहाँ डब्लू आना था, यहाँ तो एस बैठा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ कौन नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता। यदि यहाँ पी नहीं हो सकता तो यहाँ से, यदि पी नहीं हो सकता यहाँ से बी को हटाइए, यहाँ से किसको हटाइए, पी को हटाइए, यहाँ बी नहीं हो सकता और यहाँ पी नहीं हो सकता। देखिएगा उसने बोला बी और पी के मध्य कौन बैठा आपका, टी बैठा है, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका पी, यहाँ कौन हो जाएगा आपका वी, और पी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है आपका, डब्लू, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, यहाँ कौन हो जाएगा आपका डब्लू। कितने व्यक्ति बैठ गए आपके, एक दो चार पाँच छः सात, नहीं सात व्यक्ति बैठ गए आपके, छः। नेक्स्ट चलिए, एस बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, एस जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर दिया हुआ है, पहला स्थान दूसरा स्थान, बहुत बढ़िया। आगे डब्लू यू के ठीक दाएं पड़ोस में है, डब्लू जो है यू के दाएं, तो डब्लू यहां बैठा है तो यू के दाएं ठीक पड़ोस में है, बैठा दिया। आर पी के दाएं तीसरे स्थान पर है, आर जो है पी के दाएं, पहला दाया दूसरा दाया, यहाँ कौन हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। और बचा देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ व्यक्ति हो गए आपके, बचा कौन रह गया आपका क्यू, तो जाएगा यहाँ। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है एस के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, एस के दाएं, दाया यानी कि राइट, एस के दाएं चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो एस के दाएं चौथे स्थान पर जो बैठा है वो कौन सा बैठा आपका, आर बैठा है। एस के दाएं चौथे स्थान पर क्या बैठा आपका, आर बैठा है। एस के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा आपका, आर बैठा है। चलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया हुआ है 1635 खाली स्थान 217 और आपका 653 खाली स्थान, कितना आपका 1309। आपको बताना है इन दोनों के मध्य, यानी कि आपको सीरीज में बताना है कौन सा आपका आएगा। चलेगा नेक्स्ट चलें, देखिएगा 13 से हमें 35 का देखना है, यानी कि 16 से 35 का, 16 से यदि हम 35 की तरफ जाते हैं तो आपको पता है 16 से यदि हम 35 की तरफ जाएं तो गुणा दो और प्लस कितना हो रहा आपका, 3 हो रहा। यदि 16 से यदि 35 बनाया जाए तो कितना होता है आपका, गुणा दो प्लस 3। आगे देखें तो 217 से हमें 653 बनाना है, तो 217 से यदि हमें 653 बनाना है कितना हो जाएगा, गुणा 3 और प्लस कितना आपका, 2। आपको पता है 17 तिया कितना, 51, 51 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 53। तो 200 दुनिया आपका कितना हो जाएगा, 600, और 17 तिया कितना, 51, और 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 53। 653 से हमें जाना है 1309, तो 653 का आप करें तो गुणा 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 करके देखिए, 3 दुनी 6 और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 653 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1306 आ जाएगा, और प्लस 3 किया तो कितना आएगा, 1309। ध्यान दीजिए, गुणा 2 प्लस 3, गुणा 3 प्लस 2,
गुणा दो प्लस तीन, गुणा दो हुआ है तो यहाँ कितना होगा गुणा तीन, गुणा तीन करना है और तीन यदि गुणा करें तो कितना आपको दो, पाँच दिया पंद्रह जो कितना हो जाएगा सत्रह का सात अस्सी लगेगी, तीन दिया नौ कितना हो जाएगा दस, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 107 आंसर आएगा। यानी कि इस सीरीज में जो आपको फॉलो लॉजिक कर रहा है वो कौन सा कर रहा है आपका सात, यानी कि 107 आपका इसका आंसर है। चलेगा नेक्स्ट चलें, आपको मिरर इमेज का बताना है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बता दीजिए इसका, यानी कि जब दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा गया हो तो आपको बताना है कि दिए गए संयोजन का कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। देखिएगा दर्पण प्रतिबिंब मैंने आपको बताया था कि दर्पण जो प्रतिबिंब होता है उसमें याद रखिएगा लेफ्ट राइट चेंज होते हैं, लेफ्ट राइट क्या होते हैं आपके चेंज होते हैं और टॉप बॉटम आपका इसमें चेंज नहीं होता है, टॉप बॉटम क्या होता है आपका नो चेंज रहता है। तो मैंने इसमें बताया था यदि आपका दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है तो दर्पण प्रतिबिंब यदि आपका दे रखा है तो इसमें मैंने क्या बताया था लेफ्ट राइट क्या होता है इसमें चेंज होता है और टॉप बॉटम क्या है इसमें चेंज नहीं होता है, यदि वाटर में जो होता तो टॉप बॉटम इसमें चेंज होता है, यदि टॉप बॉटम इसमें चेंज होता है तो देखिए बी दे रखा है टॉप बॉटम नो चेंज है, बी दे रखा है तो बी किस प्रकार बनेगा आपका इस प्रकार से, और बी इसमें देखिए बी दे रखा है इसमें तो बाकी बनाइए, जी दे रखा है तो जी आपको पता है किस प्रकार से बनेगा, जी बन जाएगा आपका इस प्रकार से, और जी देखिएगा इसमें सभी इस प्रकार से दे रखा है। चलिएगा आगे आर, आर बनेगा इसमें आगे बन गया, आर बनेगा इसमें इस प्रकार से, इसमें देखिए उल्टा दे रखा है तो ये आपका ऑप्शन गलत है, इसमें दोनों में सीधा दे रखा है। आगे चलें, एल जो है आपको पता है इस प्रकार से बनेगा, इसमें एल उल्टा दे रखा है यानी कि तीसरा गलत, जो आपका चौथा ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा विल बी राइट, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन इसमें क्या हो सकता है बनाया जा सकता है, चौथा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा आपका चौथा आंसर आएगा। मैंने आपको बताया था कि मिरर इमेज में जो होता है लेफ्ट राइट को हम चेंज कर सकते हैं, टॉप बॉटम हम चेंज नहीं कर सकते, वाटर इमेज होता तो उसमें हम टॉप बॉटम चेंज कर सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट, आपको बताना है कि निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दिखाया गया है या कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना, ध्यान दीजिएगा आपको मैंने बताया था कि जिस तरफ से आपका एरो लगा होता है, एरो का मतलब होता है जहां से आपका एरो मुड़ा है, तो यानी कि यहां से आकृति को फोल्ड किया गया है इसकी तरफ, यानी कि एरो जरा है तो उसकी तरफ आपको आकृति को फोल्ड किया गया है, एरो जर है उस तरफ आपको आकृति फोल्ड किया गया है और जिधर एरो है उधर से आपको आकृति को खोलना है। सेकंड वाले में देखें तो यानी कि इधर से आकृति को इधर फोल्ड किया गया है, इधर से आकृति को इधर, आपकी आकृति यहाँ बनाई गई है तो एरो यहाँ है तो पहले आकृति इधर खुलेगी, एरो यहाँ है तो फिर आकृति आपके इधर खुलनी है। आपको पता है आकृति का कितना भाग है आपका एक बट्टे चार भाग है, यानी कि इसके भागों में कितने बनाने आपका चौथा, यानी कि आपको भाग बनाना है, एक बट्टे चार भाग है तो इसका एक भाग बनाए तो ध्यान दीजिए यह आपका त्रिभुज है तो आपका त्रिभुज यहाँ आएगा, यह आपका त्रिभुज यहाँ है तो आपको पता है ये त्रिभुज दूर जाएगा, दूर है और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सर्कल, या यदि ये सर्कल है तो यहाँ पे भी सर्कल आना है और ये वाला त्रिभुज कहाँ जाएगा यहाँ पे और ये वाला त्रिभुज कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो दर्पण से दूर रहता है वो दर्पण के दूर जाएगा और जो दर्पण के पास रहता है वो दर्पण के क्या रहेगा पास रहेगा। चलेगा नेक्स्ट, जान दें तो इसमें जो आकृति बनाई जा सकती है वो कौन सी आकृति बनाई जा सकती है यह आपसे पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें यदि देखा जाए तो देखिए सर्कल तो आपके दो ही रहने हैं तो यहाँ सर्कल कितने दे रखे हैं चार, ये वाला गलत हो जाएगा, यहाँ इसमें बाहर की तरफ दे रखे हैं तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें ये लाइन बना रखी है ये वाला गलत है, तो जो ऑप्शन जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन बनाया जा सकता है, यानी कि इसको फोल्ड करने पर इस आकृति को फोल्ड करने पर तो कौन सा आकृति आपकी बनाई जा सकती है तो आप बोलोगे कि तीसरी आकृति इसकी बनाई जा सकती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलोजियम का क्वेश्चन है, देखने का प्रयास कीजिए, बताइएगा सिलोजियम का क्या आएगा आंसर,
देखिएगा, सभी फल पत्ते हैं, सभी की वैल्यू क्या होती है आपकी 150। आगे है कुछ आम सड़े हुए, कुछ की वैल्यू क्या होती है 50-50। सभी सड़े फल हैं, सभी की वैल्यू क्या होती है 100। आपको पता है पहला वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव है और तीसरा वाला भी पॉजिटिव। देखा जाए तो पहले वाले में कॉमन क्या मिला, कुछ भी कॉमन नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरे और तीसरे वाले में यदि कॉमन पे जाएं तो दूसरे और तीसरे में कॉमन मिला हमें सड़े, और आपको पता है सड़े के पास 150 रुपये हैं, तो इनकी दोस्ती हो जाएगी। और पॉजिटिव पॉजिटिव जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे आपका पॉजिटिव। चलें तीसरे और पहले में, तो तीसरे और पहले में जो कॉमन मिल रहा है, तीसरे और पहले में कॉमन मिला है फल, फल के पास यहाँ 50 है, यहाँ फल के पास 100 है, यानी कि दोस्ती हो जाएगी। और पॉजिटिव क्या बनाएंगे आपका पॉजिटिव, ये दोनों भी क्या बनाएंगे आपका चलेगा। कुछ पत्ते सड़े हैं, तो पत्ते और सड़े, तो पत्ते और सड़े कुछ का है आपको पता है पॉजिटिव है बनेगा। कुछ आम फल हैं, तो आम और फल सेकंड में मिला बनेगा, कोई दिक्कत। सभी पत्ते, तो आपको पता है पत्ते यानी कि सभी की वैल्यू क्या होती है 100, यहाँ पत्ते के पास 50 है तो 100 तो बन नहीं सकता, या तो गलत जाएगा। इसका क्या बोलोगे कि पहला और दूसरा बनाया जा सकता है, पहला और दूसरा अनुसरण करेगा, तो दिया हुआ है चौथा ऑप्शन है आपका, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका पहला और दूसरा अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। चलेगा नेक्स्ट, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। डी बहुत बढ़िया चलेगा, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा मैंने लेटर सीरीज में आपको बताया था कि हम लेटर काउंट करते हैं, यदि लेटर काउंट यदि इसमें करें तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आपके पास जो लेटर आए वो कितने आपके 15 आपके पास लेटर आए, तो 15 को जो हम ब्रेक करते हैं, तो 15 को ब्रेक करेंगे हम 3 × 5 पे, 15 को हम ब्रेक कितने पे करेंगे 3 × 5। लेटर देखें तो हमारे पास सी आया है, हमारे पास बी आया है, हमारे पास एच आया है, हमारे पास एन भी आया, हमारे पास भी आया, तो आपको पता है हम 3 पे तो ब्रेक नहीं कर सकते, यदि 3 पे ब्रेक नहीं करेंगे तो किस पे ब्रेक करेंगे आपका 5 पे ब्रेक कीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3। देखिएगा स्टार्टिंग में दोनों में सी है तो यहाँ भी आपको पता है सी आ जाए, यहाँ सेकंड नंबर पे क्या मिला है वी, तो आपको पता है यहाँ सेकंड नंबर पे, यहाँ लास्ट में क्या है एच है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा एच, बन गया सी वी बी एन एच, C B B N H, ऑप्शन जाएगा वो जाएगा BHCBNBN, यानी कि VHC, जो ऑप्शन में दे रखा है वो कौन से दे रखा है आपका चौथे ऑप्शन में दे रखा है, VHC, चौथे ऑप्शन में दे रखा है, दिस वुड डी आंसर, बहुत बढ़िया। चलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट चले आगे, एक कूट भाषा में पेन का कोड दिया है 17717, आपको बताना है कैप का कोड क्या होगा, पेन का कोड दिया आपको 17717, आपको बताना है कैप का कोड क्या होगा। देखिए सबसे पहले यदि नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग ये देखिए ध्यान दीजिए, पी की नंबरिंग होती है 16, ई की नंबरिंग 5, एन की नंबरिंग आपकी 14, तो ध्यान दीजिएगा 16 से 17 पे गए आपको पता है प्लस 1 होता है, 5 से 7 पे गए कितना प्लस होगा आपका 2, 14 से 17 पे गए कितना प्लस हो जाएगा आपका, यानी कि जो प्लस किया गया है तो +1 +2 +3 प्रीति राठी 4th, बहुत बढ़िया, यानी कि +1 +2 +3 इसमें देखें तो यानी कि सी की नंबरिंग 3, ए की नंबरिंग 1, पी की नंबरिंग 0, 3 में 1 जोड़ा तो कितना बन जाएगा आपका 4, यानी कि 4 इसमें दे काटा दी, 1 में 2 जोड़ा देंगे 3, 3 इसमें दे रखा है, मैंने देखा इस हटा दिया, आपका ऑप्शन जाएगा कौन सा जाएगा आपका 4 3 19, यानी कि 3 में 1 जोड़ा तो कितना बन जाएगा आपका 4, इसमें 2 जोड़ा तो कितना बन जाएगा आपका 3, इसमें 3 जोड़ोगे 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, तो 43 19 आंसर आएगा, और 43 19 दे रखा है, कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका
पहले ऑप्शन में दे रखा है 43-19, इसका जाएगा ए ऑप्शन जाएगा इसका। बहुत बढ़िया प्रीति राठी, चलेगा नेक्स्ट। आपका एनालॉगी का क्वेश्चन है, आपको बताना है जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, तो अगर आपको बताना है तीसरे का संबंध चौथे से होगा, संबंध पहले का संबंध दूसरे से उस प्रकार है का तीसरे का संबंध किस, ये आपको बताना है। यदि नंबरिंग की यदि हम बात करते हैं, एफ की नंबरिंग होती है 6, आर की नंबरिंग 18, ओ की नंबरिंग 15, एन की नंबरिंग 14, टी की नंबरिंग 20, आई की नंबरिंग 9, ई की नंबरिंग 5, आर की नंबरिंग में देखें तो जी की नंबरिंग 7, एस की नंबरिंग 19, एन की नंबरिंग 14, ओ की नंबरिंग 15, की नंबरिंग 21, एच की नंबरिंग 9, की नंबरिंग 4, एच की उठिया। ध्यान दीजिएगा 6 से 7 पे गए कितना प्लस 1, 18 से 19 पे गए कितना प्लस 1, 15 से 14 पे गए कितना माइनस 1, 14 से 15 पे गए कितना प्लस 1, 20 से 21 पे गए कितना प्लस 1, 9 से 8 पे गए कितना माइनस 1, 5 से 4 पे गए कितना माइनस 1, 18 से 19। यानी कि जो लॉग लगा है आपका, देखिए प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, यानी कि स्टार्टिंग के दो में जो किया गया है उसने क्या किया है, प्लस 1 किया है। स्टार्टिंग के दो में प्लस 1 है। नंबरिंग की यदि हम बात करते हैं, एल की नंबरिंग 12, ओ की नंबरिंग 15, एस की नंबरिंग 19, आई की नंबरिंग 9, एन की नंबरिंग 14। ध्यान दीजिएगा तीन में यदि एक जोड़ा कितना बन जाएगा आपका 4, और 4 पे क्या होता है डी। 12 में एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा 13, 13 पे क्या होता है आपका एम। आगे देखिए फिर माइनस 1 है, 15 में से एक गया यानी कि 14, 14 पे क्या होता है आपका एन। तो डी एम एन डी एम एन, तो डी एम एन इनमें तो मिलना नहीं है, दोनों को हटा दीजिए। आगे देखें प्लस 1 कीजिए, 19 में एक जोड़ा तो कितना होगा 20, 20 पे क्या आपका क्या होता है टी। 19 यानी कि देखिए प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, 19 में एक जोड़ा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 पे क्या होता है टी, डी एम एन टी डी एम एन टी का जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका, पहला आंसर जाएगा डी एम एन डी एम एन टी डी एम एन टी का जो आंसर जाएगा वो आपका कौन सा आंसर जाएगा, पहला आंसर जाएगा। अब चलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट चले आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि 11 15 9 14 16 खालिस्तान और 75 31 88, आपको बताना है खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा। इशू आपका ये बहुत बढ़िया, आपको बताना है खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा। ऑप्शन दिए हुए आपके लिए 13 25 18 और आपका 22, 13 25 18 और आपका 22, बताइए इसकी जगह पे क्या आएगा। ठीक राधे राधे भाई, चलिए बनाने का प्रयास कीजिए इसे। 11 15 9 14 16 खालिस्तान 75 31 88, बताइए क्या आएगा। एक बार जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं वो सभी सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। ऋतिक 3 यानी कि 18, देख लेते हैं भाई ऋतिक। प्रीति राठी सी 18, चलेगा देखने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिएगा 11 और 14 का संबंध करके हमें 75 बनाना है, 11 और 14 का संबंध करके कितना बनाना हमें 75 बनाना है। तो ध्यान दीजिए यदि 11 और 14 को यदि ऐड किया जाए तो आपको पता है 11 और 14 कितना हो जाएगा 25, और यदि दोनों का अंतर लें एक में स्टार्टिंग में प्लस कर रहे हैं 14 और 11 कितना हो जाएगा 25, दोनों का यदि अंतर लिया तो कितना हो जाएगा 3, तो उस अंतर से गुणा कर दीजिए कितना आएगा आपका 75। यानी कि इसका मतलब क्या है, पहले तो दोनों को ऐड किया गया है, देखिएगा पहले तो दोनों को ऐड किया गया है 14 और 11 कितना हो जाएगा 25, और फिर दोनों का अंतर लिया गया है 11, यानी कि 14 और 11 का अंतर कितने का 3 का,
तो 25 × 3 कितना हो जाएगा 75। आगे यदि देखा जाए तो 15 और 16 दोनों का ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 31। और गुणा किससे करना है, अंतर से। 16 और 15 का अंतर कितने का होता है, 1 का, तो गुणा 1 से करोगे तो कितना आएगा आपका 31। ऐसे 9 में किसको जोड़ें कि वो 88 के पास पहुंचे, तो 9 में किसको जोड़ें कि वो 88 के पास पहुंचे, तो ये तो आपको पता है कि 9 में आप यानी कि 88 का जो मल्टीप्लाई होता है वो तो आपको पता है कि 22 का ही होता है, 22 चौक 88 होता है, तो 22 चौक 88 होता है, तो 9 को जोड़ के 22 बनाना है हमें, तो कितना बन जाएगा 13। 13 और 9 22 तो होता है, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ यदि 13 लिख दें हम तो 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका 22। और 22 गुणा किससे करना है, अंतर से। 13 और 9 का अंतर कितने का, 4 का, तो 22 × 4 कितना हो जाएगा आपका 88। यानी कि इसका जो आंसर जाएगा वो कितना जाएगा आपका 13 आंसर जाएगा, यानी कि 13 का उपयोग करके हम 88 तक पहुँच सकते हैं। तो यानी कि आपका 13 का उपयोग करके हम किस पर पहुंच सकते हैं, आपका 88 पर पहुंच सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट, आपका यहीं तक है आपका, चलेगा ऋतिक सर आप तो से चलेगा। एक आध दिन में आपका चैप्टर स्टार्ट करा देंगे, आप कोई भी चैप्टर का आप नाम बता दीजिए, हम उसी को आपको चैप्टर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, आज का सेशन आपका यहीं तक करते हैं, आगे मिलते हैं आपके नेक्स्ट में। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।